दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में श्री राम के लिए कई तरह के सवाल उठते हैं, जिनके जवाब उनको आज तक नहीं मिल पाए। दोस्तों, ऐसा ही एक सवाल है जिसने श्री राम के मांस खाने तक की बात कह दी, क्योंकि अगर वो मांस नहीं खाते थे तो फिर क्यों सीता मैया के कहने पे हिरण का शिकार करने के लिए वो दौड़ गए थे? क्या सच में भगवान श्री राम मांसाहारी थे? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में सटीक घटना सुनाते हैं, जिसको सुन के हो सकता है आपके मन में भी उठ रहे तमाम सवाल खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति स्टोरीज में। आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने शूटिंग रेंज जरूर देखी होगी, जिसमें निशानेबाजी का अभ्यास किया जाता है। कुछ मीटर की दूरी पर एक टारगेट या यूं कहें कि एक लक्ष्य होता है, जिसको बंदूक या तीर से भेदना होता है। अब यदि सैनिकों की बात करें तो इनको निशाना लगाने के लिए पुतले की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो युद्ध में सटीक निशाना लगा सके। दोस्तों, रही बात रामायण काल की, उस समय असुरों ने आतंक मचा रखा था। असुर कभी भी एक जगह नहीं ठहरते थे, क्योंकि उनमें अद्भुत सी शक्तियां होती थी। वो तो मायावी होते थे, इसीलिए वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, और इसीलिए उन पे निशाना बनाना काफी मुश्किल होता था। दोस्तों, इसीलिए राजकुल के बच्चों को बचपन से ही ऐसे जीवित जानवरों पर अभ्यास करवाया जाता था जो कि बहुत तेज भागते थे, जैसे हिरन, शेर, चीता और भी ऐसे जानवर जो बहुत तेज भागते हैं, ताकि वो उन तेज भागने वाले राक्षसों को मार सके। साथ ही दोस्तों, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए भी सबको शिकार करने की कला आना आवश्यक था। दोस्तों, वो जानवर जो शिकार के दौरान हल्की सी चोट खा जाते थे, उन्हें पकड़ के ये लोग ले आते और बाद में उन्हें पाल लेते। जैसे कि ऋषियों के आश्रम में गाय, मोर, घोड़े, हाथी, मछलियों को पाला जाता था। ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि शिकार किए हुए जानवर खा लिए जाते थे। ऐसे ही जिन जानवरों का वध किया जाता था, उनको दूसरों जानवरों के भोजन के रूप में छोड़ दिया जाता था। इसीलिए ये कहना अनुचित है कि रामचंद्र जी मांस खाने के लिए हिरण का शिकार करने के लिए निकले थे। दोस्तों, माता सीता जी ने श्री राम जी को हिरण पकड़ लाने को इसलिए कहा था क्योंकि वो उसके साथ खेलना चाहती थी और एक पालतू जानवर की तरह रखना चाहती थी, ना कि उसे मार के खाना चाहते थे। अपने पूरे 14 वर्ष के वनवास में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी मात्र कंदमूल फलों को ग्रहण करते थे, और अगर ऐसा ना होता तो शबरी बेर क्यों खिलाती? वो अच्छे अच्छे मांस का पकवान बना के श्री राम जी को खिलाती। दोस्तों, आखिर में हम बस इतना बताना चाहते हैं कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु सात्विक माने जाते हैं और भगवान राम तो उन्हीं के यानी कि विष्णु जी के अवतार हैं। तो तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, तेल या चर्बी खाने वाले पदार्थ का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आप तक ऐसी ही रोचक जानकारियां लाते रहें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।